हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज और एक गाड़ी आ गई है हमारे पास डिटेलिंग के लिए। आप देख सकते हो कि गाड़ी की हालत कितनी ख़राब है। एसी वेंट्स जो आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं और बाकी इंटीरियर भी बहुत ही ख़राब है। जो एक कस्टमर है, बेसिकली इन्होंने हमारी जो वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पर, इनका ये कहना है कि आपके वीडियो से मैं बहुत ही सेटिस्फाई हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरी कार की डिटेलिंग है वो मैं यहाँ बट सर्विस स्टेशन के पास कर दूँ। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज इस गाड़ी को हम क्लीन करते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप जो कि बट सर्विस स्टेशन में काम कैसे होता है और बट सर्विस स्टेशन में डिटेलिंग कैसे होती है, इंजन डिग्रीसिंग कैसे होती है, इंजन को किस तरह से क्लीन किया जाता है और विंडोज़ को किस तरह से क्लीन किया जाता है और एसी वेंट्स को किस तरह से क्लीन किया जाता है। हर एक चीज़ आपको आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। और साथ साथ कस्टमर ने ये डिमांड रखी है कि जो ये आप मेरी कार की डिटेलिंग करोगे तो उसका वीडियो प्लीज़ आप YouTube पे अपलोड कर दीजिए। तो गाइस, चलिए सीट्स भी हमने इसमें रिमूव कर दी है, ताकि जो सीट्स हमने इसलिए इसमें रिमूव कर दिए कि जो नीचे का फ्लोर है वो हम इजीली इसका क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, पहले हम कार का जो है रूफ़ कवर करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। रूफ़ हम बेसिकली अपर होस्टर क्लीनर से क्लीन करते हैं। मैं आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप ये जो सारा सामान मैं इस मटेरियल यूज़ करूंगा उसका मैं आपको लिंक दूंगा। जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे उसका हम आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके परचेस कर सकते हो। तो बेसिकली आपने फ़र्क देखा कि किस तरह से ईज़िली क्लीन हमने रूफ़ कर दिया। नहीं तो आधे जो है रूफ़ क्लीन करते हैं शैम्पू वगैरह से, उससे आपका रूफ़ जो है ख़राब हो सकता है। तो एक चीज़ ज़ाहिर रखना है कि रूफ़ को हमें प्रोफेशनली क्लीन करना है, कि ज़बरदस्ती हमें रूफ़ को क्लीन नहीं करना है, ईज़िली हमें रूफ़ को क्लीन करना है। अगर रूफ़ ज़्यादा गंदा हो तो फिर हम उसको कारपेट क्लीनिंग मशीन से उसको साफ़ करते हैं। आप फिलहाल ये देखिए कि रूफ़ में जो कितनी गंदगी निकल रही है वो आप क्लोथ पे देख सकते हो। बेसिकली रूफ़ जो क्लीन करते हैं हम, ज़रूरी है कि अपर होस्टर क्लीनर से उसको क्लीन किया जाएगा। तो फिलहाल रूफ़ क्लीन हो गया, अब हम डैशबोर्ड क्लीन करेंगे कार का। बेसिकली डैशबोर्ड में हम इसलिए स्टीमिंग करते हैं कि जो डैशबोर्ड में छोटे छोटे वायर कनेक्शन होते हैं, जैसे स्पीकर वगैरह, जैसे एसी वेंट्स वगैरह, इसमें हम इसलिए ड्राई क्लीनिंग करते हैं। बेसिकली स्टीम एक नेचुरल है, उससे हम इजीली जो है अपनी कार का इंटीरियर क्लीन कर सकते हैं। और इससे हम एक और एडवांटेज हमारी कार पे है स्टीम करने से, हमारे कार पे जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इससे आराम से किल हो जाएंगे और हमारी कार जो है फुल सैनिटाइज भी हो जाएगी स्टीम करने से। स्टीम से छोटे छोटे पार्टीशन भी हम क्लीन कर सकते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में एसी वेंट्स होते हैं जिसको हम केमिकल वगैरह किसी चीज़ से भी साफ़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी सर्विस स्टेशन पे या जहाँ डिटेलिंग हो जाती है वहाँ लोग साफ़ करते हैं एसी वेंट्स को, मगर ऊपर ऊपर से या किसी कपड़े से साफ़ करते हैं, मगर डीप क्लीनिंग नहीं होती है। तो आप खुद देखिए इस वीडियो में किस तरह से है स्टीमिंग की जा रही है अभी, और उसके बाद प्रेशर एयर से उसको क्लीन किया जा रहा है। तो इससे आपकी कार का इंटीरियर है बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है और डीप क्लीनिंग होती है। तो बेसिकली अभी गाड़ी का इंटीरियर जो है क्लीन किया जा रहा है क्लीन क्लॉथ से और स्टीमिंग से। तो आप रिज़ल्ट देखिए डैशबोर्ड कितना क्लीन हो गया है। स्टीम से हम छोटे छोटे पार्टीशन को इजीली क्लीन कर सकते हैं और हमारी कार में सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह स्टीम हम विंडोज़ को भी करते हैं, जिससे हमारी कार में मेल और बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो जाए और हमारी कार फुल सैनिटाइज हो जाती है।
इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग का जो है प्रोसेस है वो आपका सारा दिखाएंगे, आपके सामने शेयर करेंगे आपके साथ, और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को आप पूरा देखना। ये देखिए, आफ्टर जो क्लीनिंग इंटीरियर पूरा क्लीन हो गया, विंडोज कुशन वगैरह एसी वेंट सारा कुछ क्लीन हो गया है। आप देखिए फ़र्क, नेचुरल क्लीनिंग में कितना फ़र्क होता है। जब हम केमिकल से या हार्ड ब्रश से क्लीन करते थोड़ा रफनेस होता है हमारी कार का इंटीरियर, मगर आप अगर इंटीरियर देखोगे जो कार का, बहुत ही नेचुरल क्लीनिंग हो रही है। बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ को क्लीन नहीं कर रहे, आराम से स्टीमिंग से आराम से वो चीज़ क्लीन किया जा रहा है। ये जो बेसिकली है लेदर टाइप सीट्स है, इनको स्टीम करने से हम आराम से इनमें जो मेल है वो हम आराम से इनको निकाल सकते हैं। अगर फैब्रिक सीट्स होती तो फैब्रिक सीट्स को हम ड्राई क्लीनिंग मशीन को लगाते उससे हम सारा मेल जो है निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंजन की। इंजन को हम इंजन डिग्रीजर से साफ़ करते हैं। बेसिकली एक केमिकल होता है इंजन के लिए, उससे हम इंजन को साफ़ करते हैं, और उससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि जब हम मशीन से इसको स्प्रे करते हैं, जो भी हमारे इंजन में छोटे छोटे पार्टशन होते हैं वो हम इससे आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक साइड से हमने क्लीन कर दिया है और एक साइड से अभी क्लीन नहीं किया। तो इंजन में हम पूरी डिग्रीजिंग करेंगे, तो बिफोर भी आपके सामने और आफ्टर भी आपके सामने है। तो इंजन हमारा जो है क्लीन हो गया है। अब हम गाड़ी में वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम से हमें ये एडवांटेज मिलेगा, जो कि ऊपर ऊपर से डस्ट है जितना वैक्यूम निकाल सकता है, पहले हम इसमें जो मोटा मोटा डस्ट है अपने कार के फ्लोर के ऊपर वो हम इससे क्लीन करेंगे। उसके बाद हम इस पर केमिकल फोम लगाएंगे, जो कि बेसिकली एक फ्लोर फोम होता है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। तो फोम अप्लाई करने के बाद अब हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे किस तरह से हम अब इसको हम क्लीन करेंगे। तो पहले हम इसको ब्रश से क्लीन करेंगे, जो भी हमारे फ्लोर में मिट्टी होगी वो हम इससे आराम से रब करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। तो हम अब इसमें अच्छी तरीके से जो है ब्रश करेंगे फ्लोर को, ताकि जितना भी मेल है वो फ्लोर से निकल जाए। हमें फ्लोर में जो है सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है, जो भी मेल फंसा होगा वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम इस पे मशीन से वो सारा कुछ सक करेंगे, और जो ये ब्रश है इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो अभी हम ड्राई क्लीनिंग मशीन लगाएंगे, जो भी फ्लोर में हमने मेल निकाला ब्रश से वो हम ईजिली इसे सक करेंगे। तो अभी गाड़ी का जो है फ्लोर क्लीन हो रहा है। मुझे लगता है कि इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो गंदा था वो फ्लोर ही था। इंटीरियर भी गंदा था, मगर उतना नहीं था जितना फ्लोर गंदा था। ये देखो आप कितनी जो मिट्टी फ्लोर से निकल रही है वैक्यूम करने के बाद भी। तो अभी फ्लोर जो है क्लीन हो रहा है अच्छी तरीके से, जो है इसको सक किया जा रहा है। कार का फ्लोर जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। बिफोर भी आपके सामने है और आफ्टर भी आप देख सकते हो, और ड्राई भी हो गया है फ्लोर। तो अब हम वापस से है सीट्स को लगाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अब हम गाड़ी पे कंपाउंड और वैक्स अप्लाई करेंगे। कंपाउंड और वैक्स करने से हमें ये एडवांटेज मिलेगा, हमारी कार में जो भी
रफनेस होगी, जो भी हार्डनेस होगी, वो हम उसको स्मूथनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैक्स से हमें ये एडवांटेज मिलेंगे, जो भी हमारे कार के क्लियर कोड पे जितने भी डलनेस होगी, वो हम इसको इजीली इससे रिस्टोर कर सकते हैं, उससे हमारी कार जो है वापस शाइन में आ जाएगी। हाँ तो गाइज, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ गाइज, सब्सक्राइब कर दो हमारी चैनल को। हम जो भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं सिर्फ आपके लिए गाइज, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबाना। तो मैक्सिमम जो है कंपाउंड और वैक्स का जो है प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप फ़र्क देखोगे कितनी स्मूथनिंग आ रही है क्लियर कोड के ऊपर, जितना भी मेल और डस्ट पार्ट था क्लियर कोड पे वो सारा निकल गया। अब हम कार के ऊपर जो है फोम वॉश करेंगे, जो कंपाउंड से डस्ट चढ़ गया हमारी कार के ऊपर, अब हम उसको फोम से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे और फाइनल टच भी दिखाएंगे, कार का लुक कैसे हो गया है। हाँ तो गाइज, एक और बात, इस वीडियो पे हमारी टीम बट सर्विस स्टेशन ने 10,000 लाइक्स का एम रख दिया है। तो गाइज कर देना 10,000 लाइक्स, क्योंकि हम जो ये वीडियोस अपलोड करते हैं सिर्फ आपके लिए गाइज, तो थोड़ा सा प्यार देना गाइज, 10,000 लाइक्स का जो है टारगेट कंप्लीट करना। तो और गाइज, इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम आपको फाइनल टच दिखाएंगे कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर। आप देखो गाइज, कार का इंटीरियर कितना शाइन में आ गया है और एक्सटीरियर भी गाइज। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल पे नए आए हो गाइज तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़ गाइज़।